नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई में बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर युवक से 2,18,000 रुपए लूट लिए और भाग निकले। सूचना से हड़कंप मच गया और पुलिस ने नाकाबंदी करके बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के नुमाइश मैदान के पास योगेश पैलेस के पास यह घटना घटी। ये घटना तब घटी जब सुभाष नगर निवासी युवक रितेश उर्फ मोनू दिल्ली में ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं और वह वहां से कमाई करके कई महीने के बाद घर वापस आ रहा था। उसके साथ उसके पिता भी थे। वह जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा, उसी बीच बिना नंबर की बाइक सवार दो बदमाशों ने तमंचा लहराकर उससे करीब 2,00,000 रुपए से अधिक की नकदी लूट ली और भाग निकले। मामले की सूचना से हड़कंप मच गया। शहर कोतवाल दीपक सिंह रघुवंशी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। जानकारी मिलने पर सीओ सिटी विजय सिंह राणा भी मौके पर पहुंचे। बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। कार से था और नुमाइश मैदान स्कूटी से मैं जा रहा था। आगे कॉर्नर पे जाके उसने मेरे से आगे निकला है। वो सफ़ेद कपड़े बांध रखे हैं मुँह पे, ऊपर ऐसे भी कपड़ा है और सफ़ेद मुँह पे है। स्प्लेंडर बाइक है बगैर नंबर की। तमंचा दिखाया, पहले उन्होंने छीना बैग दिया नहीं, तमंचा दिखाया। एक ने कहा मार दे गोली, तब मैंने दे दिया उसको। कितना कैश था? 2,18,000। पुलिस ने क्या कार्रवाई की सर? अभी तहरीर के लिए कह रहे हैं, देखो आगे क्या कार्रवाई करते हैं इनके ऊपर। यहाँ के रेजिडेंस है लोकल रितेश उर्फ मोनू जी। ये दिल्ली में इनका ट्रांसपोर्ट का काम है। आज ये शाम काशी विश्वनाथ से आए थे यहाँ। जब ये सुनसान गली में पहुँचे अपने बेटे के साथ, वहीं एक मोटरसाइकिल ने ओवरटेक करके इनसे इनका बैग छीन लिया, जिसमें इन्होंने बताया कि कुछ 2,18,000 रुपये थे। यहाँ अभी कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिले हैं, उनको देखा जा रहा है। बाकी एफआईआर कराने के बाद जो भी कार्रवाई कराई जाएगी, इसी घटना खुलासा करें। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।